हनुमान प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला लगातार तुल पकड़ता ही जा रहा है। हिंदू संगठनों को 2 दिन पहले प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने आरोपियों पर NSA सहित मकान तोड़े जाने की कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन घटना के लगभग 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई न होने से हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। डिंडौरी जिले के शाहपुरा में मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों ने शारदा मंदिर के गेट पर स्थित हनुमान प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने शाहपुरा नगर को बंद कर आक्रोश जताया था और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। प्रशासन ने 2 दिन का समय लेकर आरोपियों पर NSA सहित मकान तोड़े जाने की कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन घटना के लगभग 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से हिंदूवादी संगठनों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के सैकड़ों युवाओं के साथ भाजपा के पूर्व विधायक और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य CS भवेदी, जिला पंचायत सदस्य ज्योति ओम प्रकाश धुर्वे और भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र राजपूत ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और माननीय कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं बहुत जल्दी इसका निराकरण करूंगा, किंतु उनके द्वारा कोई भी आगे बात नहीं बढ़ाई गई। तो आज इन लोगों ने यहां पर आकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाहा, किंतु कलेक्टर ट्रेनिंग में बाहर होने के कारण अभी मोबाइल के माध्यम से उन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 तारीख को मैं शेखपुरा में ही पूरे लोगों के साथ बैठूंगा और जो भी उचित कार्रवाई धाराएं होती है मैं तुरंत उसके आदेश करूंगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर शासन प्रशासन को जगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और कलेक्टर साहब से दूरभाष में बात हुई है कि 30 तारीख को शाहपुरा रेस्ट हाउस में आकर बैठेंगे और वहां पर चर्चा करेंगे। अगर 30 तारीख को वो नहीं आते हैं तो 31 तारीख को शाहपुरा में महाबंद बुलाया जाएगा एवं को जाम किया जाएगा। घंटों तक चले इस घटनाक्रम में कलेक्टर विकास मिश्रा ने SDM सरोधन सिंह के माध्यम से जिले से बाहर होने के कारण फोन पर सभी को आश्वासन दिया और आते ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।